आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मैं डिजिटल ज्ञान चैनल पर इसी टॉपिक के बारे में एक नए वीडियो के साथ। एंड आज दोस्तों हम जानेंगे कि कैसे हम इमेजेस को डाउनलोड करें एंड अपने वीडियो या कंटेंट में यूज करें एंड उस पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम ना आए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं क्या है वो प्रोसेस एंड कैसे हमें डाउनलोड करना है उस इमेज को कि कॉपीराइट का क्लेम ना आए, या फिर हम अगर इमेज को डाउनलोड करते हैं तो उसमें एडिशनली हमें क्या ऐड करना। चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डाउनलोड करेंगे हम अपने मोबाइल में HD इमेजेस, वो भी कॉपीराइट फ्री। तो दोस्तों आप आ चुके हो मेरे मोबाइल स्क्रीन पर एंड आपको मैं बताता हूँ किस तरह से करना है गूगल इमेजेस को डाउनलोड। तो हम सर्च करेंगे सबसे पहले टेक्नोलॉजी, सपोज मैंने टेक्नोलॉजी सर्च कर लिया है। इसके बाद हम जाएंगे इमेजेस पे। तो दोस्तों देख सकते हैं लोड हो रहा है पेज, जैसे ही पेज लोड होगा बहुत सारी इमेजेस आपको दिख जाएंगी दोस्तों। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से कोई भी इमेजेस नहीं उठानी है। इसके लिए अभी आपको एक फिल्टर लगाना होगा यहाँ पर। तो ये वेबसाइट जो है मोबाइल वर्जन में ओपन हुआ है, तो हम इसको करते हैं पहले तो डेस्कटॉप साइट कन्वर्ट। दोस्तों देख सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियर विजिबल हो आपको ये। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारी इमेजेस आपको यहाँ पे दिख गई होगी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो हमें क्या करना है दोस्तों, एक सेटिंग पे जाना है, टूल्स। टूल्स पे जाने के बाद हम यूजर्स राइट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर हम डायरेक्टली कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, जो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्टेड है नॉट फिल्टर बाय लाइसेंस, तो उस पर हो सकता है आपको कॉपीराइट इशू आए या हो सकता है कॉपीराइट इशू ना आए। अगर हम डाउनलोड करते हैं सेकंड ऑप्शन को यूज़ करके बट उस इमेज में हम कुछ हल्का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो उस केस में ये ऑप्शन सही है। बट अगर आपको उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं तो उस केस में हमें थर्ड ऑप्शन करना है यूज़ लेबल फॉर रीयूज़। दोस्तों तो मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, हम जाते हैं सेकंड ऑप्शन पर, देख सकते हैं। सो दोस्तों ये इमेजेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं कुछ हल्की मॉडिफिकेशन करने के बाद, उस पर आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। दोस्तों हम सेकंड इमेज पर क्लिक करते हैं एंड लॉन्ग प्रेस करने के बाद हमें करना है डाउनलोड इमेज। दोस्तों ये हमारी इमेज डाउनलोड हो गई, हम इसे ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये आपकी इमेज जो है डाउनलोड हो चुकी है एंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक और इमेज मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं इस इमेज पर क्लिक करता हूँ एंड इसको भी डाउनलोड इमेज में जाता हूँ एंड ये इमेज दोस्तों डाउनलोड हो गई है। एंड इसके अलावा मैं कुछ और इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ एंड आपको उसका सैंपल दिखाता हूँ किस तरह की इमेजेस हम डाउनलोड करते हैं इसके थ्रू। तो हमारी इमेजेस डाउनलोड हो गई है, मैं जाता हूँ यहाँ पर, देख सकते हो काफ़ी डिटेल्स के साथ काफ़ी अच्छी क्वालिटी में इमेज हमने डाउनलोड की है। इस सेकेंड इमेज ये है एंड इससे पहले हमने देखा, तो काफ़ी अच्छी एंड अच्छी क्वालिटी में इमेजेस डाउनलोड हो जाते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं अपने भी किसी भी प्रोजेक्ट या फिर यूट्यूब वीडियो। दोस्तों बाय दिस वे आप कर सकते हैं इमेजेस को डाउनलोड एंड यूज़ कर सकते हैं आप अपने कंटेंट में एंड आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा गारंटी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस तरह की ऑसम टेक वीडियोस देखने के लिए। टिल देन जय हिंद।